नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27th of July 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो यहाँ पर डालेंगे या कभी भी कोई करेंट अफेयर्स की वीडियो हुई या वर्ल्ड अफेयर्स की हुई या नेशनल अफेयर्स की वीडियो हुई या भी कोई अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर हमने डाली दोस्तों, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन और उसका लिंक और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करेंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सभी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर, स्टडी एनी टाइम एनी वेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा, फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज्ड बाय डैश बिलियन टू $572.7 बिलियन। दोस्तों यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर वही पॉइंट्स कोलैबोरेट करेंगे वीडियो में, इनकॉर्पोरेट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो, आप SSC के एग्जाम दे रहे हो, आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, LIC का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो हम यही हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे करंट अफेयर्स फोकस करता है उन सभी को लेकर चले, और स्टूडेंट्स का जो ये दौर है या फिर जो हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ शामिल होकर उनके पाथ को दोस्तों ईजी बना दें, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखी है, आप ये बात मान के चलिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, बेसिकली जो देश विदेशी मुद्रा है उसे हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, राइट। तो यहाँ पर हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है, बेसिकली RBI क्या करता है, रिजर्व मेंटेन करता है, ठीक है। रिजर्व वो फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी मेंटेन करता है, जिसमें 5 फॉरेन करेंसीज आती है, जिसे हम करेंसी बास्केट भी बोलते हैं, जिसे IMF करेंसी बास्केट बोलता है, जिसमें इंडियन रुपीज अभी तक शामिल नहीं है, ठीक है। 5 कंट्रीज की करेंसी यहाँ पर आती है, जैसे यूरो हो गया, डॉलर हो गया, जैपनीज येन हो गया, चाइनीज रेनमिन भी हो गया, स्टर्लिंग पाउंड हो गया, ठीक है, ऐसे करके 5 यहाँ पर करेंसीज का बास्केट बनता है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसीज मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, इसलिए इनका रिजर्व यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ताकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें तो हमारे ट्रेड करने के लिए यहाँ पर काम आए। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि इन दिनों रिजर्व बैंक इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिशिएट कितने से हुआ है यहाँ पर ये बताना है आपको, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7.5 USD बिलियन से, ठीक है। तो आज के डेट में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 527.7 बिलियन का, ये बात ध्यान रखेंगे, पूरी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट रिसेंट डेटा शोज दैट ड्यूरिंग द एक्सटेंडिंग वीक एंड सॉरी एंडिंग वीक ऑफ July 15 इंडिया फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज बाय $7.5 बिलियन, ठीक है। द रिजर्व हैव ड्रॉप्ड टू देयर लोएस्ट लेवल इन 20 मंथ्स और सिंस November 6, 2020 व्हेन दे वर 568 बिलियन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों काफी लो देखने को यहाँ पर मिला है, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व का घट जाना एक बहुत अच्छी बात नहीं होती दोस्तों। हमेशा जो होता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक यही चाहता है कि उसकी फॉरेक्स रिजर्व में 5 करेंसी का अच्छा वैल्यू रहे, ताकि मतलब क्या हो ना कि इससे ना खुद की जो करेंसी होती है, जैसे हमारी करेंसी का इंडियन रुपीज का है ना, डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, आई बात समझ में, ये तो आपको ये ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है ना, देखो मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे सपोज करो $1 की कीमत मान लो ₹70 है, एक सपोज करना, ठीक है, और वही $1 की कीमत अगर ₹80 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि
मार्केट में इंडियन रुपीज ज्यादा सर्कुलेट करेगा, और आपको पता है जो चीज की ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है इसकी प्राइस हमेशा कम हो जाती है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इंडियन रुपीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स लगाना और थोड़ा सा करंट अफेयर्स, वहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम इसी तरीके से दोस्तों अपने कवर करते चलते हैं पॉइंट्स को। कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई स्टेटेड दैट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज सफिशियंट। हालांकि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर, उनका कहना है कि अभी जो रिजर्व हमारे पास पड़े वो सफिशियंट है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो इंडियन रुपी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जुलाई आरबीआई रिपोर्ट द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व वॉज 580.3 बिलियन ऑन जुलाई 8। It was sufficient to cover 9.5 months worth the anticipated imports of the year 2022-2023. मैंने आपको बोला ना दोस्तों, इम्पोर्ट के लिए हम रिजर्व रखते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट के लिए, क्योंकि जो पांच है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ठीक है, उसके बाद स्टर्लिंग पाउंड हो गया, रेनमिनबी हो गया, जैपनीज येन हो गया, ये जो पांच करेंसी है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात है, ये इसका पूरे पीछे का रीजन है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आरबीआई से रिलेटेड बात करो तो शक्तिकांत दास दोस्तों क्या हो जाते हैं, 25th पोजीशन पर अभी हमारे प्रेजेंट गवर्नर हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जिनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ठीक है। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1 अप्रैल 1935 और एक्ट बना था 1934 में, जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर दोस्तों अपॉइंटमेंट पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का सीईओ यहाँ पर किसे बनाया गया है, ठीक है। अंकित प्रधान, राहुल माधव, नकुल जैन, दिलीप बोस। करेक्ट विल बी योर नकुल जैन, राइट। पूरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। नकुल जैन जॉइन एज ए सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज। पूरी बात करें तो पेटीएम पेमेंट पेरेंट 197 कम्युनिकेशन हैज अपॉइंटेड नकुल जैन एज ए सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीपीएसएल। प्रवीण शर्मा हु इज नाउ सर्विंग द एक्टिंग सीईओ ऑफ पीपीएसएल हैव बीन प्रमोटेड टू ओवरसी द ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल वर्टिकल इन एडिशन टू द अदर ड्यूटीज, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिप्लेस किया है प्रवीण शर्मा को, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैन अर्लियर सर्व्ड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट बैंकिंग, प्रायोरिटी बैंकिंग एंड डिपॉजिट एंड ब्रांच बैंकिंग एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों प्रवीण नकुल जैन का हम क्या जानेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड जानेंगे। वैसे तो आपके एग्जाम में बैकग्राउंड में क्वेश्चन नहीं आता, बट हमारे बैकहेड में इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों बैंकिंग का, और ये 22 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखते हैं रिटेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग क्या होता है, जहाँ पर वन इंडिविजुअल क्या करता है दोस्तों, ट्रांजेक्शन हेल्ड करता है, ठीक है। एक होता है होलसेल बैंकिंग, एक होता है रिटेल बैंकिंग, जिसका फर्क मैंने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में समझाया है, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में एक इंडिविजुअल आकर अपना अकाउंट खोल सकता है, और होलसेल बैंकिंग में कंपनी, इंडस्ट्री और कॉरपोरेट आकर अपना अकाउंट खोलती है, ठीक है। एंड बैंक टू बैंक भी अकाउंट आपके होलसेल बैंकिंग में ही खुलते हैं। एंड हैज वर्क इन अ सब सेक्टर सच एज ब्रांच बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सेगमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल असेट्स एंड एक्विजिशन। तो इनका काफी अच्छा 22 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों बैंकिंग में, और अब इनको सीईओ बनाया गया है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पेटीएम के बारे में कुछ जानेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें जानना चाहिए और बिना बैकग्राउंड के तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो पेटीएम एस्टैब्लिशमेंट किया गया था यहाँ पर अगस्त 2010 में यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नोएडा हो जाएगा और सीईओ का नाम हो जाएगा दोस्तों विजय शेखर शर्मा, ठीक है। विजय शेखर शर्मा इसके क्या हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे। प्लीज आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम कुछ अभी कुछ नए सीईओ बने उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे यहाँ पर जगह में। यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से कुछ सीईओस के नाम बताऊँ, ठीक है दोस्तों। अभी अभी रिसेंटली कल या परसों के ही सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था टाटा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनके सीईओ बने हैं कौन, विनायक पाई। कौन बने, विनायक पाई, जिन्होंने रिप्लेस किया था किसको, ये बात आप मुझे लिख कर यहाँ पर बताओगे, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असीत रथ के बारे में, ठीक है। असीत रथ जो कि अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस जिसका हुआ था असीत रथ, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया यहाँ पर, ठीक है। यूरेका फोर्ब्स के सीईओ अभी बने हैं कौन, प्रतीक पोटा, है ना।
ये भी मैंने आपको बताया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें हम एयर इंडिया की, ठीक है, एयर इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया है, तो एयर इंडिया के बने हैं कैंपबेल विल्सन, कैंपबेल विंसल, ठीक है। उसी के साथ जियो सावन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, गाने तो आप बड़े सुनते होंगे, ठीक है, सहज मल्होत्रा, सहज मल्होत्रा। तो ये सब इंपॉर्टेंट सीईओज यहाँ पर क्या किए गए, अपॉइंट किए गए दोस्तों। देखो यहाँ पर रिविजन करवाने का दोस्तों एक ही मकसद है, ताकि हम जो आगे की चीजें पढ़े हम पीछे की ना भूलें, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी कोशिश रहती है, ताकि आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑन, तो यहाँ पर दोस्तों कारगिल विजय दिवस सारे देश में कौन से दिन मनाया जाता है, ये बात आपको बतानी है। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 26th of July। तो दोस्तों यहाँ पर कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस, ठीक है, मनाया जाता है 26 जुलाई को। बेसिकली क्यों मनाया जाता है, तो इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज हिस्टोरिक विन ओवर पाकिस्तान ऑन July 26, 1999। द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली रिमूव्ड पाकिस्तानी फोर्सेज हु वर इलीगली ऑक्यूपाइंग अ हिल टॉप एट अ इंडियन साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल और एट कारगिल लद्दाख। टू कॉमोमरेट द विक्ट्री एंड रिमेंबर दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 26th of July एवरी ईयर, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन टू पे ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स एट अमर जवान ज्योति ऑफ द इंडिया गेट एवरी ईयर। देयर इज अ कारगिल वॉर मेमोरियल एज वेल इन द्रास ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द टोलिंग हिल। इट वॉज बिल्ट बाय द इंडियन आर्मी एंड ऑनर्स टू द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कारगिल, या फिर आप बोले कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और इस दिन हमने बेसिकली जो जवान है हमारे, जिसे देश के लिए अपनी जान गंवाई, उनको ये दिन डेडिकेट करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखा आप रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते बात करते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच एडिशन ऑफ जम्मू फिल्म फेस्टिवल टू बिंग टू बिगिन फ्रॉम September 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन बनाया जाएगा September 3 तारीख से, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड। अब हम पूरी बात यहाँ पर करते हैं। जम्मू फिल्म फेस्टिवल टू बिगिन फ्रॉम September 3, तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू फिल्म फेस्टिवल चालू हो रहा है आपका कब से, 3 तारीख से, ये बात आप लोग इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ क्या होती है चीज़ें जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, जिस पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। तो पूरी बात करते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ जम्मू फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड हेयर फ्रॉम 3rd of September विद फिल्म फ्रॉम 54 countries slated to be screened over 2 days of the event. The first ever international film festival held was September 2019 in Jammu, the winter capital of Union Territory, right? अच्छा, और उसके बाद से नहीं हो पाया क्योंकि because of COVID-19. तो 54 projects from 15 countries including feature film, documentaries and shorts will be screened during this event. The panel of judges includes prominent actor Lalit Parimo, Geetia fame director राहुल शर्मा, ईरानिया फिल्म मेकर अलीम मोहम्मद इकबालादार, प्रोड्यूसर कपिल मट्टू एंड स्टोरी बोर्ड राइटर क्रिटिक अमित सिंह। द पैनल इज हेडेड बाय संगीत नाटक अवार्डी एंड वेल नोन एक्टर डायरेक्ट मुश्ताक काक। एंड जम्मू फिल्म फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय वोमेद, अ प्रोमिनेंट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ये पूरी यहाँ पर डिटेलिंग हमने दे दी आपको इस जो फेस्टिवल होता है जम्मू फिल्म फेस्टिवल, उसके बारे में कौन कौन जूरी यहाँ पर रहता है, किस किस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन कौन जूरी पैनल में यहाँ पर बैठता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। कैनरा बैंक लॉन्च इट्स मोबाइल ऐप नेम्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कैनरा बैंक ने दोस्तों अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। कैनरा वर्ल्ड, कैनरा सर्विस, कैनरा AI1 और कैनरा स्काईज। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैनरा A1i, ठीक, AI1, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है कैनरा AI1, और हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर कि क्या है इसके फीचर्स, क्यों यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो फीचर्स में क्या क्या यहाँ पर अलग है ये हम जानेंगे।
उससे पहले कैनरा बैंक की बात करें तो टैगलाइन पे आता है दोस्तों टुगेदर वी कैन, क्या आता है टुगेदर वी कैन, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कैनरा बैंक के सीईओ और एमडी की, तो यहाँ पर नाम हो जाएंगे दोस्तों उनके जो आपको इम्पोर्टेंट है, श्री एल वी प्रभाकर, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कौन सीईओ एमडी कैनरा बैंक के। इनका पूरा नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर, लिंगम वेंकट प्रभाकर, ठीक है। आप एक काम करिएगा दोस्तों, आपके लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक पूरी लिस्ट बना लीजिए अलग से और उसमें सारे बैंक्स की टैगलाइन और सीईओ एमडी का नाम याद रखिएगा, एग्जाम तक तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। कैनरा बैंक हैज लॉन्च कैनरा एआई वन इट्स मोबाइल ऐप, द बैंकिंग ऐप वुड बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन विद मोर देन 250 फीचर्स टू कैटर टू द बैंकिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। इट इज एम टू एलिमिनेट द नीड टू हैव मल्टीपल मोबाइल ऐप्स वर्किंग इन सीओल्स फॉर अवेलिंग द डिफरेंट स्पेसिफिक सर्विसेज। द ऐप इज अवेलेबल इन 11 लैंग्वेजेस टू कैटर द मल्टीपल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों 11 लैंग्वेज में ये अवेलेबल ऐप, ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये हेल्प करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोसाइटी में वो इससे जुड़ सकें। अब इनके की फीचर्स हम देखेंगे, द ऐप हैज़ एडवांस फीचर्स सच एज इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस UI एंड यूजर एक्सपीरियंस UX विद मल्टीपल थीम्स एंड मेन्यू दैट कैन बी पर्सनलाइज्ड एज पर द यूजर्स चॉइस। इट ऑल्सो ऑफर्स अ डार्क थीम टू इम्प्रूव विजुअल एर्गोनॉमिक्स, रिड्यूस आई स्ट्रेन, adjust the brightness to current lighting conditions and facilitate screen usage in dark environments all while conserving battery power, right? तो ये जो app है वो ज़्यादा battery power भी consume यहाँ पर नहीं करेगा, ये बात बोलता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ये help करेगा अगर आप कोई भी मोड में हो, आप dark मोड में हो या light मोड पे हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पर चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं दोस्तों मैंने यूज़ किए, काफ़ी ऐसे बैंक्स के ऐप हैं जिनकी वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी स्ट्रेनिंग होती है आईज में, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक उसको यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि मैम हम किसी भी बैंक के ऐप को ज़्यादा दिन तक क्यों यूज़ करेंगे, ज़्यादा देर तक क्यों यूज़ करेंगे। सही बात है, ज़्यादा देर तक कोई भी बैंक का ऐप आप यूज़ क्यों ही करोगे, क्योंकि जब पैसे भेजने होंगे आप पैसे भेजो, और आजकल तो गूगल पे और UPI है, लेकिन फिर भी एक अच्छा यहाँ पर बात दी गई है। द ऐप केटर्स टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंक्लूडिंग पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, किसान विकास पत्र एंड अदर्स। द सुपर ऐप इनेबल द कंज्यूमर्स टू यूज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन डिजिटल मोड एंड देयर आर फीचर्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ऐसी स्कीम्स भी है इस ऐप में जिसको आप लोग अवेल कर सकते हो, जैसे आप किसान विकास पत्र है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, प्रोविडेंट PPF अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है, FDRDs तो सभी करा सकते हैं आजकल। तो काफ़ी एक अच्छा एक इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कैनरा बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा, ऐप का नाम तो ज़रूर याद रख लीजिएगा, और कुछ नहीं तो ऐप के ऊपर ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, Among the following, which commercial bank became the one of the most valuable lenders globally in terms of market capitalization after merger? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक है जिसने मर्जर के बाद अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसका काफी अच्छा हो गया है, इवन टॉप 10 में आने लग गया है, ये बात आपको बतानी है कौन से बैंक का। लेकिन बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब मैं बता दूं ताकि आप लोग के मन में कोई भी तरीके का कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहे। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी XYZ, ठीक है, कंपनी XYZ उसके 1 लाख शेयर्स मार्केट में है, ठीक है, 1 लाख शेयर्स, और वो कितने रुपए पर चल रहे हैं, 100 रुपीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी, 1 लाख इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 1 करोड़, दैट इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ हम इसकी क्या मानेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन मानेंगे दोस्तों, मतलब इसकी फुल वर्थ, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक। अच्छा, HDFC बैंक वन ऑफ द सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक भी है हमारे इंडिया का, क्यों, क्योंकि HDFC बैंक हो गया, ठीक है, ICICI बैंक हो गया और SBI बैंक हो गया, ये 3 सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है हमारे इंडिया में। ये GDP में अपना 1% ऑफ अमाउंट देते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का अकाउंट यहाँ पर इस बैंक के पास होल्ड करता है, इसलिए हम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं। RBI कभी भी इनको लिक्विडेट नहीं होने देगा, ये बात यहाँ पर बोली जाती है। अब हम पूरी बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में,
HDFC बैंक के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो फॉलोइंग द मर्जर ऑफ द पेरेंट एंड द प्रमोटर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC एंड HDFC बैंक वुड बिकम द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेंडर्स ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज HDFC बैंक का नाम टॉप 10 में लिया जाता है। द मर्ज्ड एंटिटी हाउएवर वुड नीड टू ग्रो इट्स बिजनेस मल्टीफोल्ड टू एक्वायर द साइज ऑफ चाइनाज एंड यूनाइटेड स्टेट्स टॉप बैंक्स एंड डोमिनेट द ग्लोबल league table in terms of assets, revenues and profits, right? HDFC bank is worth more than the DBS group and USB, UBS and both valued at around 58 billion. दोस्तों DBS bank जानते हैं आप सिंगापुर का बैंक है और पूरी तरीके से नियो बैंकिंग के ऊपर काम करता है। अभी रिसेंटली मैंने एक नीति आयोग के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें डिजिटल बैंक से बात की थी, उसमें DBS bank के बारे में भी आपको बताया था। तो आज HDFC का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो DBS bank से भी ज्यादा है, ठीक है। द कंट्री लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एट नंबर 32 अहेड ऑफ BNP Paribas इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। द कंबाइंड मार्केट कैप HDFC बैंक एंड HDFC वुड बी अराउंड 160 बिलियन। आप समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। HDFC बैंक और HDFC को मिलाकर 160 बिलियन की पूरी ये कैपिटल मार्केट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी चाहिए आप लोगों को दोस्तों, कि यहाँ पर वर्ल्ड की टॉप 6 मोस्ट वैल्यूएबल कौन सी है, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, है ना। वर्ल्ड की टॉप सिक्स वर्ल्ड की, है ना। सबसे पहले आती है आपकी JP Morgan चेस विद अ वैल्यूएशन ऑफ 337 बिलियन, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करो तो बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पर रहेगा, वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, 269 बिलियन के साथ दोस्तों। तीसरे की बात अगर मैं करूँ तो ICBC, ये चाइना का बैंक है दोस्तों, 221 बिलियन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करूँ मैं वेल्स फार्गो USA का बैंक है ये, ठीक है। इसके बारे में बात करूँ तो 164 बिलियन का रखता है ये। फिफ्थ नंबर पे आता है दोस्तों अपना चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक 161 बिलियन की बात करूँ तो। और छठे नंबर पे आता है हमारे हिंदुस्तान का दोस्तों HDFC बैंक और HDFC दोनों को मिलाकर मर्जर हुआ ना, तो 160 बिलियन, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ स्टैट्स भी थोड़ा सा याद रख लेना, बात होती है तो बता ही दूँ। 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर आता है दोस्तों मुंबई में, ठीक है। शशिधर जगदीशन इसके MD CEO हो जाएंगे और टैगलाइन होगी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। ध्यान रखना सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको कन्वे कर दी है। नेक्स्ट शब्द है अमंग द फॉलोइंग इन विच सिटी लार्ज स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आजाद टू बी इरेक्टेड, करेक्ट विल बी और भोपाल, राइट, पूरी बात करते हैं। इन भोपाल अ लार्ज स्टैचू ऑनरिंग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद विल बी इरेक्टेड। द स्टैचू साइट विल बी क्रिएटेड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यंग पीपल विद सॉइल फ्रॉम आजाद होम टाउन ऑफ बाबरा बींग यूज एट इट्स बेस। ऑन द 116th एनिवर्सरी ऑफ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्थ चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान स्पोक एट द ओपनिंग सेरेमनी फॉर इट्स फर्स्ट स्टेट लेवल यूथ महापंचायत विच वॉज हेल्ड इन भोपाल। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, यहाँ पर एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर सबसे बड़ा चंद्रशेखर आजाद जी का जो स्टैचू है वो भोपाल में बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्पोक एंड यूथ अफेयर्स आल्सो स्पोक अबाउट द प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम न्यू दिल्ली। अनुराग ठाकुर अ यूनियन मिनिस्टर एडेड दैट नो चैलेंज इज टू ग्रेट फॉर इंडियन यूथ इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ही अर्ज द यूथ टू एलिवेट इंडिया टू द स्टेटस ऑफ विश्व गुरु एंड वर्क एसिडियसली टू क्रिएट अ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। तो ये यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं और जिसमें आप एड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपके एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दे सकता है उसके बारे में सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है दोस्तों, ठीक है। आप इसकी पूरी PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो vision.co.in पर, जहाँ पर आपको सारी डिटेल वहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है। करेंट अफेयर्स हो, स्टैटिक्स हो, सब कुछ। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द माउंटेनियर हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब K2 हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड।
आपको बताना है दोस्तों, ऐसी कौन सी माउंटेनियर है जिसने रिसेंटली यहाँ पर क्लाइम किया है K2, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है दोस्तों, किसकी? हमारे इंडिया की, ठीक है। चलो एक हिंट मैं आपको दे दूं, बांग्लादेशी माउंटेनियर है ये, क्या? तो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का क्या, वास्फिया नजरीन। आप इनकी फोटो देखो यहाँ पर, है ना। पूरी बात करते हैं दोस्तों, उससे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। तो बांग्लादेश में कैपिटल हो जाती है ढाका, करेंसी हो जाती है टका, ठीक है। शेख हसीना क्या हो जाती है? पीएम हो जाती है, पता ही होगा आपको इनके बारे में। प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हमिद, ठीक है। सारी बता दी मैंने आपको यहाँ पर चीजें। देखो, माउंटेनियर वसीफा नजरीन बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ बांग्लादेश टू एक्सेंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव K2 सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। शी स्केल्ड K2 माउंटेन पीक विच इज 8611 मीटर्स हाई एंड 28,251 फीट हाई एंड देन डिसेंडेड टू द बेस कैंप। व्हेन अ क्लाइंबर डिसेंड्स फ्रॉम द माउंटेन रिटर्न्स टू बेस कैंप समिट द सेट हैव बीन रीच्ड, राइट। तो इस पहाड़ की चोटी को पहली बांग्लादेशी वुमेन है जिसने अचीव किया है, ठीक है। पूरी बात यहाँ पर करते, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना रखे मैंने। द 39-year-old माउंटेन वसीफा पेड रिस्पेक्ट टू ऑल नोन एंड अनआइडेंटिफाइड मार्टर्स ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम द लैंग्वेज कैंपेन टू लिबरेशन वॉर आफ्टर कंप्लीटिंग द हिस्टोरिक जॉब। शी अर्ज हर पीपल टू नेवर लूज अप एंड ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द पास्ट। वासीफा ग्रीटेड बांग्लादेश ऑन इट्स 50th anniversary एंड थैंक्ड एवरीवन टू हैड असिस्टेड हर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट टीचरस माउंटेन, स्टेटिंग हैप्पी 50th बांग्लादेश हेयर्स टू द नेक्स्ट ग्रेट 50। वासीफा अलियर रोड अ फेसबुक पेज एंड शी वॉज क्लाइंबिंग टू द टॉप K2 दैट वेन द टाइम कम्स फॉर हर टू एग्जिट द वर्ल्ड प्लीज रिजॉइस इज नोइंग शी लिव्ड एंड एस्पायर्ड द लाइफ शी लिव इज हर लाइफ इज फ्री फ्रॉम द सोसाइटी एंड अदर्स पीपल जजमेंट, राइट। 2012 में इन्होंने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट को एंड शी वॉज द सेकेंड बांग्लादेशी वुमेन टू एकम्प्लिश सो। तो यहाँ पर सिर्फ कंचनजंगा ही नहीं दोस्तों, बल्कि K2 ही नहीं बल्कि इन्होंने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी अचीव कर रखा है, उसकी हाइट्स को पे भी ये जा चुकी है। तो यहाँ पर एक बांग्लादेशी माउंटेनियर है, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन बनेंगे पूरे चांसेस आपके। इनका नाम आप याद रखिएगा और इनका देश बांग्लादेश, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश टू बिकम द फर्स्ट टू सर्टिफाई हर घर जल? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में जिसे हर घर जल के अंदर सर्टिफाई कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट हो जाएगा बुरहानपुर। तो यहाँ पर दोस्तों, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश प्रॉपरली नोन एज दरवाजा ऑफ दखिन बिकेम्स द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री पीपल फ्रॉम रीच 254 विलेजेस इन बुरहानपुर हैव डिक्लेयर्ड देयर विलेज एज हर घर जल थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय ग्राम सभा। अकॉर्डिंग टू द इट सर्टिफाइड्स दैट ऑल पीपल इन द विलेज हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप इंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट आउट, राइट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वेन जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च इन ऑगस्ट 2019 ओनली 37,241 रूरल हाउस होल्ड्स आउट ऑफ 1,01,905 हाउस होल्ड्स इन बुरहानपुर हैड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप, राइट। फर्दर मोर 640 स्कूल्स एंड 547 आंगनवाड़ी सेंटर एंड 440 अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैव टैप कनेक्शंस। तो आज की तारीख में सारी सारी जगह यहाँ पर टैप कनेक्शन है जहाँ से पीने का पानी आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हर घर जल मिशन चालू हुआ 2019 में 15 अगस्त को, और यहाँ पर बुरहानपुर जो कि MP का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हर घर में पीने का टैप यहाँ पर अब अवेलेबल है। स्कूल्स हो या फिर अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, सब जगह यहाँ पर पीने का टैप अवेलेबल अब कर दिया गया है। तो ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है दोस्तों कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री लॉन्चेस वेंटियन सेकेंड ऑफ इट्स 3 स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स? करेक्ट विल बी योर चाइना, ठीक है। पूरी बात करते हैं, चाइना लॉन्चेस वेंटियन सेकेंड ऑफ इट्स 3 स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स, ठीक है। दिस वॉज द मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ बीजिंग्स एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम। अ लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च द अनमैन्ड स्पेसशिप विच द कॉल साइन वेंटियन फ्रॉम द वेंचेंग लॉन्च फैसिलिटी ऑन चाइनाज ट्रॉपिकल आइलैंड इन हेनन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये सक्सेसफुल एक इवेंट रहा है, ठीक है। लॉन्चेस इनका नाम ध्यान रखना है ना, नाम पर क्वेश्चन बनेगा इसके, वेंटियन, ठीक है। इन अप्रैल 2021 बीजिंग लॉन्च द मेन मॉड्यूल ऑफ टायागोंग स्पेस स्टेशन विद द चाइनीज ऑफ हेवनली पैलेस, ठीक है। ये
ओवर 18 मीटर्स फीट लॉन्ग एंड 22 टन्स इसका मतलब 48,500 पाउंड्स इसका वेट रहेगा. फीचर्स 3 स्लीपिंग रूम्स एंड रूम फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस. इट विल जॉइन विद द करंट मॉड्यूल इन स्पेस. डिफिकल्ट प्रोसीजर्स दैट विल कॉल द यूटिलाइजेशन ऑफ रोबोटिक आर्म एंड मल्टीपल हाई पर्शियन मैनिपुलेशंस, राइट. तो बस ये ध्यान रखना है आपको, सिंपल ये जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसका नाम यहाँ पर ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि ये चाइना के द्वारा यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर मॉड्यूल है जो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है. इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका नाम. इन केस ऑफ फेलियर वेंचिन इज ऑल्सो एक्ट एज अ बैकअप प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजिंग स्पेस स्टेशन. अगर ये फेल भी हो जाता है ना किसी तरीके से, मान लीजिए आगे जाकर, तो इसे स्पेस स्टेशन के लिए मैनेज कर सकते हैं. एक बैकअप इसके लिए रेडी रखा गया है, या फिर इसे किसी और के लिए बैकअप के लिए रेडी रखा गया है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. इंटरनेशनल अफेयर्स में क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जा सकता है दोस्तों. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए. और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम avision.co.in है, जो मैंने आपको पहले कन्वे कर दिया. साथ ही साथ कोई भी ऐसी टॉपिक के ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो, जिसके ऊपर इलैबोरेटिव फॉर्म में वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है. टेलीग्राम पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है. तो आगे आने वाले फ्रूटफुल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.